इस कहानी में एक ऐसे समुद्री अमर द्वीप के बारे में बताया गया है जो 500 सालों में सिर्फ एक बार कुछ ही महीनों के लिए समंदर में आइलैंड के रूप में नजर आता है। पुराणिक किताबों के हिसाब से उस आइलैंड पर जादुई पानी मौजूद है जिसे पीने के बाद इंसान अमर हो जाते हैं, मगर जिस किसी ने उस जादुई पानी को हासिल करने की कोशिश की वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ताना साहो ने मृत्यु पर जीत हासिल करने के लिए अपने शाही सैनिकों को जादुई पानी लाने के लिए भेजा, क्योंकि एक बार फिर से वो द्वीप नजर आ चुका है और ये मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। कहानी की शुरुआत में यूनी गांव नाम का एक आदमी अपने राजा के आदेश पर शाही सैनिकों के साथ उस जादुई पानी को लाने के लिए अपने सफर को शुरू कर दिए थे। समंदर में इनको काफी वक्त बीत गया है, इसलिए अब इनके खाने का राशन खत्म हो चुका था। यूनी गांव के आदेश पर उसका सैनिक एक आदमी को मारने वाला था ताकि ये लोग उसके मांस को खाकर अपना पेट भर सके, लेकिन यान ली इनको ऐसा करने से मना करते हुए यूनी गांव को बताता है कि मुझे बाहर पक्षियों का झुंड दिखा, जिसका मतलब है हम किसी द्वीप के आसपास पहुंचने वाले हैं। तभी इनके शिप पर एक ड्रैगन हमला कर देता है जिससे पूरा शिप पानी में डूब जाता है, मगर यूनी गांव के सैनिक उसको एक राफ्ट पर कुछ लोगों के साथ लेकर यहां से निकल जाते हैं और यान ली पानी में डूब जाता है, क्योंकि वो लोग यूनी गांव के कहने पर उसको वहीं छोड़कर चले गए थे। बेहोश होने से पहले यान ने एक जल परी को देखा था जो इसको उस ड्रैगन से बचा रही थी। जब इसको होश आता है तो यान उस जल परी को अपने पास पाता है जो अभी भी उसी के पास मौजूद है। उसको देखकर यान को यकीन नहीं होता है कि जल परी सच में होती है। वो भी यान को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने भी किसी इंसान को पहली बार देखा था। यान उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो उसी की बातों को कॉपी करती है और कुछ देर बाद वो उसको अपना नाम श्योइन बताती है। दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहे थे तभी उसको बाकी सैनिक जाल में पकड़ लेते हैं। उनमें से कुछ इसको तुरंत खाने की बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी। तभी उन सब के ऊपर लाखों की तादाद में सैतानी केकड़े हमला कर देते हैं। उनको देखकर ये सब भागना शुरू कर देते हैं। यूनी गांव अपनी जान बचाने के लिए एक सैनिक को उनके आगे फेंक देता है और अगले ही पल वो शरीर के नाम पर सिर्फ हड्डी का ढांचा ही रह जाता है। यान ली देखता है कि वो जंगल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए सबको जंगल की ओर भागने को कहता है, जिससे सबकी जान बच जाती है और वो सच में इनका पीछा करना बंद कर देते हैं और ये समझ जाते हैं कि उनके आगे न आने की वजह क्या है। इसलिए यूनी गांव श्योइन से जादुई पानी कहां मिलेगा उसका पता पूछता है, साथ ही वो उसको वहां तक लेकर चलने को कहता है, मगर श्योइन इनको उस जगह पर ले जाने से मना करते हुए बताती है उस पूरी जगह पर ड्रैगन ने काफी समय से कब्जा कर रखा है। वहां जाने का मतलब है कि अपनी जान से हाथ धो बैठना। उसकी बात सुनकर यूनी गांव उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन यान ली उसको रोकते हुए बताता है कि जब तक ये हमारे साथ रहेगी तब तक हम सब सेव हैं। यूनी गांव इसकी बात सुनकर कहता है कि ये तब तक जिंदा रहेगी जब तक वो जादुई पानी हमें नहीं मिल जाता, और ये आगे का सफर शुरू कर देते हैं। तभी इनका सामना उसी ड्रैगन से होता है जो इनके शिप पर हमला किया था। पानी के बाहर उसकी ताकत कम हो गई थी, ये लोग उसके ऊपर बॉम्ब और गोली से हमला करते हैं, लेकिन उस पर इनके हमले का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो और भी गुस्से में इन पर अटैक करता है। यूनी गांव अपनी जान बचाने के लिए वो उसका ध्यान भटकाने का आदेश दे देता है और उसका सैनिक श्योइन को शूट करके उसको लेकर यहां से निकल जाता है, ताकि वो ड्रैगन इनको छोड़ के उनके ऊपर हमला कर दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो इनके ऊपर हमला करता। उससे पहले ही श्योइन इतनी जोर से चीखती है जिससे वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसका फायदा उठा के ये यहाँ से भागकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। यान ली उस सैनिक की इस गलती के लिए उसको बहुत मारता है, मगर यूनी गो उसको रोक कर बताता है कि तुमने सम्राट के आदेशों का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम तब तक ही जिंदा हो जब तक वो पानी मुझे नहीं मिल जाता। जैसे ही जादुई जल मुझे मिल जाएगा, मैं उस जल परी के साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे आदेश का पालन करना होगा, समझे?
तभी इन सबको आदिवासी अपने भाले की नोक पर ले लेते हैं। लेकिन श्योइन उनको अपना असली रूप दिखा देती है, जिससे वो सबको अपने साथ गुफा के और भी अंदर ले जाकर इनको पेट भर भोजन शराब परोस देते हैं। ये देखकर सब खाने पर टूट पड़ते हैं। श्योइन यानली से बताती है कि ये लोग ड्रैगन को गॉड मानते हैं और उस जादुई पानी की रक्षा करते हैं। यूनिगो उससे कहता है कि क्या वो हमें उस तक पहुंचा सकते हैं जिसके लिए वो मान जाते हैं, और इनको कल उस जादुई पानी तक लेकर जाएंगे। इनके एक साथी आफू को उनकी मुखिया उससे शादी करने का झांसा देकर उसको अपने साथ लेकर चली जाती है, और बाकी के लोग शराब पीकर नशे में हो जाते हैं। तभी वो सभी इनके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं, और इस चीज का आभास यान को हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो तुरंत श्योइन को लेकर बाकी लोगों के पास आता है। इधर वो इनके काफी सारे लोगों को मार चुके थे। ये देखकर यान बाकियों को बचाने लगता है। अपने लोगों को मरता देख वो यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यान को आफू की याद आती है कि वो भी खतरे में होगा, इसलिए ये सभी उसके पास जाते हैं। उधर वो लोग ड्रैगन के लिए उसका बलि देने वाले होते हैं। तब तक ये सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी श्योइन को वो जादुई पानी का झरना दिख जाता है, जो हर रोज सूर्य उदय होने के बाद उस चट्टान से निकलता है। उसकी बात सुनकर यूनिगो काफी खुश हो जाता है कि अब उसको अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर उसे पहले इनको आफू को बचाना होगा। लेकिन यूनिगो यान को ऐसा करने से मना करता है। यान उसकी आदेश तोड़कर उसको बचाने उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन यान अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसको जान से मारने वाले होते हैं। ये देखकर श्योइन अपनी वॉइस का यूज करके ड्रैगन की आवाज निकालती है, जिसे डर कर वो सभी यहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद यूनिगो आफू और यान को बांध देता है, ताकि ड्रैगन जब इनको मारे तब ये श्योइन के आवाज का यूज करके उसको खत्म कर दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। श्योइन की आवाज से वो अचेत होकर गिर जाता है, मगर एक ही दिन में उसने अपनी आवाज का दो बार यूज कर दिया था, इसलिए उसकी आवाज चली जाती है। दरअसल श्योइन ने इनको पहले ही बताया था कि अगर वो अपनी आवाज का यूज एक दिन में एक बार से ज्यादा करेगी तो वो फिर कभी भी बोल नहीं पाएगी। लेकिन यूनिगो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, उसको बस अपनी पड़ी थी। उस ड्रैगन को पूरी तरह से मारने के लिए उसके आदेश पर सैनिक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि इस बार और भी गुस्से में इनके ऊपर हमला करता है। यूनिगो उसको अपनी ओर आता देख श्योइन को फिर से चीखने को कहता है, लेकिन अब वो कभी भी बोल नहीं पाएगी, इसलिए वो अपनी आवाज नहीं निकालती। उसकी बात न मानने पर वो उसको शूट कर देता है। ये देखकर यान खुद को छुड़ा के उसके हाथ को बॉडी से काट कर अलग कर देता है, उसको जान से मारता। उससे पहले ही वो ड्रैगन यान पर हमला कर देता है। आफू की मदद से यान उसको खत्म कर देता है, और अब सुबह भी हो चुकी थी, इसलिए वो जादुई पानी उस छोटे से झरने में से गिरना शुरू हो जाता है। यूनिगो यान को शूट करके श्योइन के सामने ही उसको मार कर उस जादुई पानी को पी लेता है, जिससे उसका कटा हुआ हाथ वापस से आ जाता है। साथ ही वो पहले जैसा जवान बन जाता है, इसका मतलब कि वो अब अमर हो चुका है। मगर जैसे ही उस पानी को लेकर धूप से छांव में आता है, तुरंत ही वो राख बनकर हवा में उड़ जाता है। उस पानी को पीने का मतलब है कि उसको इसी गुफा में हमेशा रहना होगा, तभी वो जिंदा रह पाएगा। और अब पूरा आइलैंड भी समंदर में 500 सालों के लिए फिर से गायब होने लगता है। यान को जिंदा करने के लिए श्योइन उसको अपनी पूरी ताकत दे देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी जान देकर उसको जीवन दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यान को पसंद करने लगी थी, और वो भी उसको पसंद कर रहा था। वो श्योइन का इंतजार करते हुए अपनी पूरी जिंदगी समंदर के किनारे बिता देता है, क्योंकि इसको यकीन था कि वो एक ना एक दिन उससे मिलने जरूर आएगी, मगर वो नहीं आती। अपने आखिरी दिनों में वो भी खुद को समंदर में समर्पित कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हमेशा अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।